बहुत साल पहले किसी शख्स ने कह दिया था बॉलीवुड में एक ऐसा एक्टर आने वाला है ना जिसके नाम से लोगों की फटेगी, एक ऐसा एक्टर आएगा ना जिसकी फिल्म आते ही बॉक्स ऑफिस हिल जाएगा, एक ऐसा एक्टर आएगा ना जो चाहने वाले और ना चाहने वाले दोनों को फायदा पहुंचाएगा, एक ऐसा एक्टर आएगा ना जिसको लोग जितना ट्रोल करेंगे उतना ज्यादा वो कामयाब होता चला जाएगा, एक ऐसा एक्टर आएगा जिसके बारे में लोग उसकी फिल्मों के बारे में, उसकी एक्टिंग, उसकी डांस के बारे में तमाम धज्जियां उड़ाएंगे लेकिन फिर भी उसका चेहरा आता ही बॉक्स ऑफिस ब्लास्ट हो जाएगा, और वो एक्टर होगा कोई और नहीं, वो होगा बॉलीवुड की जान सबकी शान हमारे भाईजान यानी सलमान खान। सलमान खान बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर हैं आपको पता है कि जिसके पीछे तमाम सोशल मीडिया के लोग लगे होते हैं सिर्फ ये चीज करने के लिए कि सलमान भाई ने ये कर दिया, सलमान भाई ने वो कर दिया, सलमान भाई का ये, मतलब उनके अंदर लुक्स निकालना उनके लिए जरूरी हो गया। मतलब कोई भी एक छोटी से छोटी पॉइंट, जितनी बारीकी से ये लोग सलमान खान की फिल्में देखते हैं, जितनी बारीकी से सलमान खान के सॉन्ग को देखते हैं, उतनी बारीकी से ये किसी को नहीं देखते। मतलब जो सलमान भाई को ट्रोल करने वाले हैं वो सलमान भाई की फिल्म को एकदम एक एक बारीक देखेंगे, अगर उसमें एक माइनस पॉइंट मिल गया तो ये समझ लो उसके बारे में फिर चलाना स्टार्ट हो गया, देखो ये फिल्म में क्या दिखाया गया, ये बकवास है, ये देखो ये क्या सीन है, ये ऐसा, मतलब बहुत कुछ होता है। उसका जस्ट अपोज उनके फेवरेट एक्टर का अगर पूरी फिल्म बकवास हो उसमें अगर एक सीन अच्छी हो ना उसको पकड़ के दिखाएंगे देखो कितनी कमाल की फिल्म बनाई है, कितनी कमाल की फिल्म बनाई। ऐसा कई वीडियो मौजूद है जो आप चाहो कि देख सकते हो कि मतलब झूठ बोलने की कोई लिमिट नहीं है, जिसके मुंह में जो आ रहा है वो पक रहा है, लेकिन सलमान के खिलाफ लोगों को बोलना इतना मतलब लाजमी हो गया है ना कि उनको पता है कि यार सलमान खान के खिलाफ कुछ भी गलत बोल दो, छोटी सी बात बड़ी सी बात कुछ भी बोल दो, सच झूठ मिला के कुछ भी, वो चलेगी, लोग देखेंगे पसंद करेंगे उससे फायदा होगा, बाकी कोई एक्टर में दम नहीं है जो हमको फायदा दे सके, वो इकलौता है सलमान खान। अब सलमान खान की फिल्म आ रही है, जैसा कि पता है सलमान भाई ने बोल दिया 2025 में मैं आ रहा हूं, ए मुरुगदास के साथ साजिद भाई प्रोड्यूस करने वाले। अब इस फिल्म को लेकर हेटर्स के बीच में वो खलबली है कि रोज कोई ना कोई बहाने से उनको ट्रोल करने की कोशिश किया जा रहा है, कोई भी बहाने से, मतलब इतने लेवल इन लोग का गिर चुका है कि उनको सिर्फ और सिर्फ सलमान की बुराई ढूंढनी है। लेकिन मैं एक बात आ दूं, ये फिल्म जब आएगी 25 में तो रिलीज होने के बाद बात होगी यार, क्योंकि पहले बात हो जाती है ना तो मजा नहीं आती, रिलीज होने के बाद रैप्टा मारेंगे ना तो मजा आएगी कि सलमान खान कौन है और क्या है। मैं इतना कहना चाहूंगा, ए मुरुगदास ने अपने हिसाब से फिल्म बना दी और सलमान भाई को प्रेजेंट कर दिया, तो मैं 100% बता रहा हूं ये फिल्म वो तूफान है, वो सैलाब, वो तबाही है ना जो तुम हेटर्सों ने सोचा नहीं होगा, 100% बता रहा हूं। इसलिए बड़ी बोला भी नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अगर उस बंदे ने अपने हिसाब से जिस हिसाब से ए मुरुगदास अपनी फिल्म बनाते हैं उस हिसाब से बना ले गए और सलमान भाई को प्रेजेंट कर दिया, फिर देखना, क्योंकि सलमान ही बॉलीवुड का वो इकलौता एक्टर है कि जिसके पर्दे पे आते ही ना तूफान मच जाता है, थिएटर जो है स्टेडियम बदल जाता है, वो एक्टर सलमान खान है, जिसकी हर सीन पे लोग एंजॉय करते हैं वो एक्टर सलमान खान है, ना हो तो जाके थिएटर में देखो, हर एक सीन पे एंजॉय करते हैं, सीटी ताली बजती है, स्टेडियम में तब्दील होता है थिएटर, वो कोई और नहीं सलमान खान है, ठीक है। इसलिए ज्यादा बोली बोल नहीं रहे, बस इतना जानते हैं कि जब देखो मुंह उठा के कोई सालों के पास नल्लों के पास काम नहीं है, सलमान खान को ट्रोल करना है, सालों के पास करते रहो, जितना करोगे उतना वो आगे होगा, उतना वो कामयाब होगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, मिलते हैं छोटे में, अपना ख्याल रखिएगा, सी यू अगेन नल्ले साले।